नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनु राशि वालों। दोस्तों आपको बता दें कि 14 जुलाई से लेकर 24 जुलाई का समय, जी दोस्तों यह समय आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समय साबित होने वाले हैं। जी दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है इन 10 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों में आपको कई बड़े लाभ देने वाले हैं जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जी दोस्तों, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी सफलता के पीछे एक बुरे व्यक्ति का हाथ जरूर होता है जो कि आपको पीछे करने का प्रयास करता है। जी दोस्तों, और ऐसा ही समय आपके लिए नौवीं में होंगे। जी दोस्तों, यह समय आपको दो चीज़ों को लेकर सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए। जी दोस्तों, और आपको बता दें कि ये अगर आप सावधान रहेंगे तो दोस्तों आपका जीवन फूलों की तरह खिलने वाले हैं। जी दोस्तों, अगर आप इनसे नहीं बचेंगे, अगर आप इनसे सावधान नहीं रहेंगे तो दोस्तों वो कहते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी जिस प्रकार तरक्की होती है उस प्रकार आप नीचे भी आ सकते हैं। जी दोस्तों, बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको प्राप्त होने वाली है। ग्रहों का पूर्ण विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर यह वीडियो का निर्माण आप सभी के लिए किया गया है, तो दोस्तों अंत तक देखना भी आपका दायित्व, आपका कर्तव्य होता है। दोस्तों, इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि इन 10 दिनों के दौरान जो ग्रहों की स्थिति होने वाली है इनके साथ आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन सी बड़ी उपलब्धि यश में आपको मिलने वाली है, कौन कौन सी खुशखबरियाँ यश में आपका इंतजार कर रही है, यश में घर के माहौल में पारिजन में क्या क्या बदलाव होंगे और साथ ही ईश्वर के आशीर्वाद से भी आपके जीवन काल में क्या बड़े चमत्कार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का और माता रानी का शीर्ष आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यश में अधिकतर समय व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में व्यतीत होगा, साथ ही दोस्तों सफलता मिलने से मानसिक शांति भी रहेगी। यश में जो समय होगा आपके लिए पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ और फलदायक साबित होंगे। दोस्तों, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी यश में रहेगा जो कि आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे। वहीं दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की कार्य क्षमता पर विश्वास रखना आवश्यक होगा, दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान आप कर सकते हैं। यश में आपको बता दें कि अपने नजदीकी मित्रों व फिर संपर्क सूत्रों के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, हर किसी बात के बारे में बेवजह चिंता करने की वजह से हर बात में आपको यश में नकारात्मकता ही नजर आ रही है। यदि आप परिस्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं तो दोस्तों खुद के अंदर बदलाव लाना जरूरी होगा। एक जैसी जीवन शैली रखने की वजह से आपके अंदर उदासीनता पैदा हो रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखने के लिए आप अपना आत्म अवलोकन अवश्य करें, इससे दोस्तों आपके अंदर मानसिक शांति व फिर ऊर्जा का संचार होगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, दृढ़ निश्चय होकर काम करने से आपकी योजनाएं अवश्य सफल होंगी। साथ ही दोस्तों यश में दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता पर आत्मबल पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, किसी भी प्रकार की यात्रा करने के लिए यह जो समय है आपके लिए उत्तम नहीं होंगे। दोस्तों, यश में नई व्यक्ति से समस्या हो सकती है, साथ ही दोस्तों इनसे बचने की कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में परिवार के किसी युवा व्यक्ति की खास प्रगति होगी जिनकी वजह से पूरे परिवार में समाधान प्राप्त होगा। यश में आपके खर्चे हो सकते हैं लेकिन यह खर्च आपके मौज मस्ती पर होगा, इसलिए दोस्तों यश में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं, घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं, घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। दोस्तों, दिन की कुछ समय परिवारों के साथ मनोरंजन व फिर स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में व्यतीत होगा। इसके बाद दोस्तों यश में किसी मुद्दे पर भाइयों के साथ वाद विवाद होने की आशंका लग रही है। दोस्तों, यश में सावधानी और समझदारी से आपको काम लेना चाहिए, इससे आप परिस्थितियों को आसानी से संभाल भी पाएंगे। दोस्तों, बेहतर होगा कि दूसरों के झमेलों में अपना हस्तक्षेप ना करें।
इसको प्यार दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगी। दोस्तों आपकी इच्छा शक्ति बढ़ने की वजह से काम में भी आपको यशमय प्रगति और गति दोनों नजर आने वाली है। दोस्तों आप अकेले ही काफी बातों का सामना यशमय कर पाएंगे जिनकी वजह से आपको मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है, लेकिन उन्हीं बातों को प्रगति की ओर बढ़ते हुए देखकर आपको समाधान भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यशमय निवेश करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। घर के बुजुर्गों का भी स्नेह और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। बच्चों को भी आपके मार्गदर्शन में कोई विशेष सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही दोस्तों यशमय किसी समय आप आलस की वजह से कुछ काम नजरअंदाज ना करें। दोस्तों यशमय इनकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। और दोस्तों यशमय अपना आत्मविश्वास और फिर कार्य क्षमता को मजबूत बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके बाद दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों परिस्थिति में बार बार बदलाव आने की वजह से निर्णय ले पाना या फिर किसी एक ही निर्णय पर टिके पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों व्यक्तिगत जीवन में आपको समाधान प्राप्त हो सकता है, लेकिन दोस्तों काम से जुड़ी परेशानियां भी यशमय रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय काम से संबंधित जिम्मेदारी को किसी के साथ बांटना यशमय मुश्किल हो सकता है। दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट पर काम करना आपको पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों इसके उचित परिणाम भी आपको हासिल होंगे। हालांकि दोस्तों कुछ व्यापारी लोग अपने निजी कार्यों की वजह से कार्य क्षेत्र पर उतना अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यशमय कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में भी रुके हुए काम में गति आएंगी। दोस्तों व्यवसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों यह संबंध आपके भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यशमय व्यावसायिक स्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। कर्मचारियों के साथ आपका उचित तालमेल रहने से कार्य भी सुचारू रूप से होते जाएंगे। दोस्तों इसमें मार्केटिंग संबंधी कार्य भी इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यशमय रुका हुआ पेशा भी आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों यशमय व्यवसाय की दृष्टि से समय बहुत ही उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ेंगी। कुछ नए अनुबंध भी यशमय प्राप्त होंगे और दोस्तों आर्थिक स्थिति में यशमय सुधार होगा। यशमय साझेदारी संबंधी कार्यों में धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों घर के सभी सदस्यों का आपस में बेहतरीन तालमेल होने से खुशनुमा वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी यशमय नजदीकी आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजे होंगी। घर के सदस्यों में भी आपसे तालमेल बना रहेगा, जिनसे दोस्तों यशमय आपसी संबंध भी मधुर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। घर में अधिक हस्तक्षेप तथा रोक टोक करना पारिवारिक सदस्यों को नाराज कर सकता है। दोस्तों सबको अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता मिलना जरूरी है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों यशमय वातावरण सुखद रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से मेल मुलाकात करते समय मर्यादा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों जोड़ों या फिर मांसपेशियों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों व्यायाम या फिर योगा के लिए समय आप यशमय जरूर निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यशमय फालतू जो है जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनके द्वारा आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी नुकसान भी यशमय हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यशमय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। गैस व फिर कब्ज की शिकायत रह सकती है। अपना खान पान व फिर दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों यशमय वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव करना आपके लिए अति आवश्यक होगा।